मैं प्रेम करता हूँ, बहुत करता हूँ, बट मेरा प्रेम फूल देने वाला नहीं है। लीजिए, स्वागत है आपका। शादी कर लिया है, घर चलाना है, जब तक मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तुम कुछ कर लेना। ये ना प्रेम में बहुत जरूरी है ट्रस्ट का होना। मतलब इस बात का झगड़ा होता है, ये तुम आजकल मनाते नहीं हो। मैं पहुँच जाती थी सुपरमार्केट और वहाँ से मैं इसको फोन करती थी कि सुनो ना, वो वाला दाल है क्या, मसूर की दाल है क्या? और मैं शूटिंग में रहता था और मैं बताता था नहीं है मसूर की दाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल। जब भी हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले फिल्मी पर्दे की कहानियां, फिल्मी पर्दे की लव स्टोरीज ध्यान में आती हैं और उन्हीं से हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार रियल लाइफ में भी ऐसी लव स्टोरीज होती हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं। और मैं आज ऐसी ही एक लव स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ जो लव स्टोरी है पंकज त्रिपाठी और मृदुला त्रिपाठी की। पंकज जी, मृदुला जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। शुक्रिया, शुक्रिया। जब भी लव स्टोरी की बात आती है मैंने आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर सब खंगाली हैं। तो सबसे पहले तो कि कैसे शुरू हुई थी ये प्यारी सी मुलाकात, कहाँ से शुरू हुई ये लव स्टोरी? बड़ी लंबी कहानी है। हालांकि शुरू कुछ नहीं हुई थी, मैं शादी में देखा था इनको 9th क्लास में। तो ये 9th में थी, मैं 11th में था। तो वही होता है ना, प्रथम दृष्टया प्रेम, कि देखते ही लगा कि अच्छा जी, अब आगे का जीवन मतलब, तो वैसे ही हो गया। पहली बार जब हम मिले थे तो बिल्कुल 11th में थे, नई नई दाढ़ी आनी शुरू हुई थी। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि मैंने तुम्हारी उगती हुई दाढ़ी देखी है और अब चश्मा भी लगते हुए देख रही हूँ। लाइक एजेस हम साथ में, तो ईमानदारी है जो तब से लेके अभी तक बरकरार है। लेकिन इस दौरान कभी ऐसा लगा कि एक दूसरे का साथ छूट जाएगा शादी से पहले? कई बार लगा, कई बार लगा। और मेरी शादी तय हो गई थी एक बार, तो ये गए भी थे लड़का देखने के लिए। मतलब हमारा प्रेम वो नहीं था कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, ये प्रेम नहीं था। हाँ, हमारा प्रेम ये, हमारा प्रेम उदार वाला था। कर लो, तुमको अगर वहाँ नहीं पसंद आए चीजें तो आ जाना। मैं तो हालांकि ये उस उम्र का मोटिवेशनल कोट था, मैं भी एक औसत विद्यार्थी हूँ। कहानी बता रही थी मृदुला जी कि आप लड़का देखने गए थे। हाँ, लड़का देखने एक बार गया था और देख के आके बोला था कि भौतिक सुख मिलेगा वहाँ, क्योंकि अच्छी मार्बल फ्लोरिंग थी, घर बड़ा था। अब दिमाग में होगी तो भौतिक क्या होता है, सो आए तो आज की मर्जी, मतलब अरे मतलब अच्छा घर द्वार, मटेरियलिस्टिक, बड़ी सारी अच्छी चीजें हैं। तो मैंने कहा यार तुम क्या करने गए थे, तुम क्या करके आके बता रहे हो मुझे। अच्छा पंकज जी, शुरुआत हुई आपने अपने करियर की भी शुरुआत की, आपकी वाइफ ने आपको मेजर सपोर्ट किया, स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पे खड़ी रही, हमेशा अभी भी खड़ी रहती है, किस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई? हम लोग मुंबई आ गए थे मैं ड्रामा स्कूल ट्रेनिंग करके, और मालूम था कि यहाँ लड़ाई वक्त ज़्यादा लगेगा। तो मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करके आया था कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, थिएटर की ट्रेनिंग ले ली, 8-10 साल थिएटर कर लिया भारत के ऑलमोस्ट सारे स्टेज पे। बावजूद उसके मुंबई एक नई जगह है, नई चुनौतियाँ हैं, यहाँ ट्रेंड एक्टर होना या थिएटर के NST से होने से फिल्मों में काम मिलना इम्पोर्टेंट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जाते हाथों हाथ लिया जाएगा या कोई आपको लॉन्च कर देगा। हम तो एक साधारण लोग थे, तो हमने तैयारी की, हम बातों बातों हुआ कि तुम बीएड कर लो, बीएड करके आओगी तो मेरा पता नहीं कुछ वक्त लगेगा, तो बीएड करके आई, फिर स्कूल में पढ़ाई। बेसिकली ना ये स्ट्रगल जैसा स्ट्रगल सोच के हम नहीं आए। हाँ, ये बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी थी, शादी कर लिया है, घर चलाना है, जब तक मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तुम कुछ कर लेना। नहीं, हमारे रिलेटिव उतने ताने मारने वाले नहीं है। कहाँ कोई ताना तो नहीं मारता था, ताने कोई नहीं मारता था। हाँ, उनको ये वो जरूर होता था कि मतलब कहाँ, मेरे परिवार वालों को स्पेशली, कि जहाँ लेके गया है वहाँ पे ठीक से रख पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी रही हूँ। मैंने ऑनेस्टली चाय भी नहीं बनाया, मेरी भाभी ने बनाने नहीं दिया है कभी, मुझे किचन में जाने नहीं दिया उन्होंने, बहुत पैम्पर्ड रही हूँ मैं अपने घर में। तो जब यहाँ आई तो माँ, जब मेरी शादी हमारी जब हो रही थी तो माँ वॉज नॉट वेरी हैप्पी, कि क्योंकि, और वो तब बहुत गुस्सा आता था कि क्यों सपोर्ट नहीं कर रही। बट अब चूँकि हम एक बेटी के माँ बाप हैं तो अब हम समझ पा रहे हैं कि
अगर आशी कभी इस तरीके का कदम उठाएगी तो हम भी उतने ही अपसेट होंगे कि ये जहाँ जा रही है वहाँ ठीक से रह पाएगी कि नहीं, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। तो तब वो थोड़ी सी वो चिंता थी उनकी, वो चिंता थी उनकी। टॉन्ट टॉन्ट हमें कभी किसी ने कोई कोई नहीं मारा है। हाँ, ये शेफ बहुत अच्छे हैं, आप कह रही थी कि जब नहीं, बहुत अच्छे नहीं है, परसेप्शन है, बहुत अच्छा हूँ मैं, किचन में काम किया हूँ बस, बहुत कुछ अच्छा नहीं हूँ मैं, सिंपल भात दाल भुजिया। शेफ इस मामले में अच्छे हैं कि अगर किचन में आ गए, अच्छा खाना बनाना इन्होंने मुझे सिखाया, बट अब दिक्कत ये है कि अब ये किचन में अगर आ जाता है और अगर सिंपल आलू की सब्जी बनती है, बनना हो रहा है, तो उस आलू की सब्जी में ब्रोकली, बीन्स, जितने प्रकार की ग्रीन्स है मेरे घर में, वो सब एडेड हो जाते हैं, फिर वो खाने लायक नहीं है। अब मैं अब खाने को स्वाद से ज्यादा सेहत की नजर से देखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा प्लास्टिक से बहुत चिढ़ है, इज अ वेरी एनवायरमेंट, मेरे को मुझे बहुत समस्या प्लास्टिक से, बहुत दिक्कत है प्लास्टिक से, और कई बार मुझे पौधे लाने होते हैं तो प्लास्टिक के गमलों में ही मिलते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है मुझे पौधे बहुत पसंद है, ले आके मैंने छुपा के इस तरफ रख दिया कि ये इस तरफ अभी नहीं आएगा, शाम में तो घर पे ही सीधे आएगा, खाना खत्म हो जाएंगे। दूसरे दिन या उसी दिन शाम को किसी बात पे होगा कि पता है वो पौधा बहुत सुंदर लग रहा था पर मैंने लिया नहीं, तो कहता है मैंने देख लिया है उधर रखा है तुमने प्लास्टिक में, मत लाया करो। लाइक ओके, जब कभी किसी बात पे आप दोनों का अगर झगड़ा हो जाता है तो पहले कौन मनाता है? पहले मनाता था, आजकल नहीं मनाता। आजकल मुझे इस बात का झगड़ा, मतलब इस बात का झगड़ा होता है, ये तुम आजकल मनाते नहीं है मुझे। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपने क्यों मनाना क्यों छोड़ा? रूठे ने मनाने में बीती जिंदगानियां, तेरी मेहरबानी गाना है ना, तो रूठना ही क्यों? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो हमें तो उतनी तो समझ भी बढ़नी चाहिए ना, कि हम किन चीजों पे रूठना है, किन चीजों पे नहीं रूठना है। इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए बोल रहा हूँ। इतने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की फिल्में और OTT पे एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के शेड्स या किस तरीके की फिल्में आप उनमें आप इनको देखना चाहते हैं, किस तरीके के शेड्स या किस तरीके के कैरेक्टर पर उनका जी प्ले करें? मुझे मन है कि एक मैं अच्छा डिटेक्टिव हूँ, गमला नया आया है, मैं छुपाने के बावजूद भी मैं पकड़ लेता हूँ, और मसूर की दाल है या नहीं है शूटिंग पे बैठ के भी, तो इन्होंने स्टडी किया गया, डिटेक्टिव अच्छा बन सकता है। देखिए अभी आप कह रहे थे कि पंकज जी से आजकल अगर आप रूठ जाते हैं तो ये मनाते नहीं है, मैंने बहुत सारे रोजेस दे रहे हैं, ये एक एक रोज दे के आपको कुछ अच्छा बहुत ब्यूटीफुली या तो प्रपोज करते हुए या कुछ करते हुए आपको मनाएंगे, खुश करेंगे आपको। फूल देने के पहले का एक किस्सा बताऊंगी मैं आपको जी। पहली बार मैं दिल्ली गई थी शादी से पहले, और कि अब हमने तय किया था कि हम शादी करेंगे, और मैं दिल्ली पहुंची थी और अकेले गई थी मैं ट्रेन से, इसने ही टिकट भेजा था। उस दिन से लेके आज तक ये कभी भी समय पे मुझे लेने नहीं पहुंचा है, तो ट्रेन पूरी खाली हो गई थी। दिल्ली के बारे में थोड़ी सी नया शहर था तो पता नहीं था क्या है कैसा है, लगभग ट्रेन खाली होने के वो डब्बे बॉटल उतारने वाले सारे लड़के आ गए थे, वो सब लेके चले गए थे, और मैं बहुत परेशान कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे उतरूँ, क्या करूँ। अब तो मैं कहीं पे भी उतर जाऊँ 5 मिनट बाद ये आया, और आने के बाद सबसे पहला सवाल था कि इतना सारा सामान क्यों लेके आए हो, तो दो बैग थे, और दिमाग तो इधर ऐसे ही गुस्सा हुआ था कि तुम सब उतर गए, तुम अभी आ रहे हो। अच्छा, उन दिनों फोन की उतनी सुविधा नहीं थी, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, तो कैसे कैसे करके तो भी मैंने कहा चलो उतारो चले हैं। तो वो एक हाथ से सामान उतार रहा था और एक हाथ से ना ऐसे नीचे ये कर रहा है, मैंने क्या है, एक तो गुस्सा था दिमाग में क्या है, तो ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसे फूल कौन देता है नीचे से, ऐसे तो दो कप थे कम, वो फूल देख के मुझे लिटरली वही किस्सा याद आ गया था, मतलब सारा गुस्सा एक आफुर हो गया था कि ऐसे कौन फूल देता है, तो ये कैसे फूल देंगे मुझे नहीं पता है। 45-46 साल के वयस्क आदमी को ये टास्क दे रही है, जो टास्क 20-21 साल के बच्चे को देना चाहिए था, तो ये आप गलत व्यक्ति को टास्क दे रही है। मैं प्रेम करता हूँ, बहुत करता हूँ, बट मेरा प्रेम फूल देने वाला नहीं है। लीजिए, स्वागत है आपका। मैं दे दिया, सारा दे दिया एक साथ में। मैं मन का हाथ पकड़ता हूँ, आपके इंटरव्यू में ही याद कर बहुत साल पहले बोला था, हमारे यहाँ क्या है ना कि वो हम मैं जन्मदिन मुझे लोग विश करते हैं तो मैं शर्मा जाता हूँ, मैं क्या रिप्लाई थैंक यू दूँ, क्यों जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो
अब जैसे ये मुझसे नहीं होगा, हो सकता है सिनेमा में कर लूँ मैं, आप सिनेमा में मुझे करेक्टर दो तो उस करेक्टर के मानसिकता के को सोच के और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं कुछ भी कर लूंगा. थैंक यू सो मच. जैसे बुके देते हैं, बहुत खूबसूरत है तू. थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच मृदुला जी, हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच.